हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे IBPS RRB PO Pre 2019 का मैथ का पेपर और ये हमारा पार्ट टू है, यानी कि भाग दो है। पार्ट वन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर आपने अभी तक वो भाग नहीं देखा जिसमें मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चंस दिखाए थे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं वो वीडियो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, वहां पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पढ़ना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशन और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशन की क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज मेरा पहला 1000 सब्सक्राइबर यानी कि 1K सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। तो ये सर सिर्फ आप लोगों की बदौलत हुआ है, आप लोगों के यहाँ पे जो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया उसकी वजह से हुआ है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अभी उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा थैंक्स गिविंग करके, और आज पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, पहला प्रश्न है, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था और यक्स वर्ष बाद उनकी औसत आयु यक्स प्लस 22 वर्ष हो गई, 2 वर्ष पहले ए की आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से प्रश्न को मोड़ दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करते हैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान से, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, प्रश्न के लिए बेसिक है ये। अगर मान लीजिए कोई दो पर्सन है ए और बी, और बी इनकी जो आयु है दोनों लोग की वो 5 वर्ष बढ़ा दी जाए तो इनके जो एवरेज होगा दोनों का वो भी तो 5 साल बढ़ जाएगा, 5 वर्ष बढ़ जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष इसमें भी हम बढ़ाएंगे, 5 वर्ष इसमें भी बढ़ाएंगे, जब एवरेज निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 10/2 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो 5 अगर हम इनके दोनों में 5-5 वर्ष बढ़ाते हैं तो इनका एवरेज भी देखेंगे 5 वर्ष बढ़ जाएगा, अगर हम 10-10 बढ़ाएंगे तो इनका एवरेज भी 10 साल बढ़ जाएगा। यहाँ पे मेरा बताने का मतलब ये था कि यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया था कि यक्स वर्ष बाद उनका एवरेज कितना हो गया था, यक्स प्लस 22 वर्ष, ठीक ये हो गया था। यहाँ पे मैंने बताया 5 वर्ष बढ़ाने पे 5 वर्ष बढ़ा था उनका एवरेज, तो यहाँ पे यक्स वर्ष बाद जब बढ़ाए तो यक्स प्लस 22 होने का मतलब है कि यही यक्स तो बढ़ा होगा ना यक्स वर्ष बाद, ये तो उनका प्रेजेंट एज रहा होगा तभी यक्स वर्ष बाद यक्स बढ़ा है, यक्स प्लस 22 हो गया है। तो अगर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उनका जो वर्तमान का है, वर्तमान आयु है उनकी, वो कितनी कह सकते हैं, वर्तमान आयु 22 हो जाएगी, क्योंकि यक्स वर्ष बाद थी यक्स प्लस 22, तो हम यक्स वर्ष हटा दिए अगर यक्स वर्ष पहले तो 22 वर्ष आ जाएगी, सिंपल सा था। यही मैंने आपको अभी शुरुआत में दिखाया कि 5 वर्ष बढ़ाने पे 5 वर्ष सभी का एवरेज बढ़ रहा था, यहाँ पे उसी तरीके से अगर हम यक्स माइनस कर देते हैं इनके एवरेज में से तो यक्स हट जाएगा, 22 बचेगा सिर्फ। अब यहाँ पे बोला है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 5:4, अगर यहाँ पे वर्तमान में उनकी आयु 22 है तो 4 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 4 वर्ष पहले उनकी कितनी हो जाएगी का एवरेज, 18 हो जाएगा, 4 घटा देंगे दोनों में से, अब ये 18 आ गया, अब 18 तो आ गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इनकी जो 18 ये है ये एक लोग का होगा यहाँ पे एज, और जब दोनों लोग का निकालेंगे तो यहाँ पे 18×2 करेंगे तो उनकी आयु का सम आ जाएगा, यानी कि 36 हो जाएगा यहाँ पे उनकी आयु का योग दोनों लोगों के, ए और बी जो है उनकी आयु का योग, एक लोग दोनों लोग का एवरेज यानी कि आया था यहाँ पे अनुपात जो आया था वह यहाँ पे औसत वो 18 आया था, लेकिन औसत का मतलब क्या होता है कि 18 वर्ष ए का भी होगा 18 वर्ष बी का भी होगा, तो अगर हम दोनों को यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो उनकी आयु का जो सम है वो 36 वर्ष आ जाएगा। अब यही दिया है 36 वर्ष क्या दिया है, अनुपात के रूप में दे दिया गया है यहाँ पे, 36 को कितना अनुपात दिया गया है यहाँ पे, 5:4 के हिसाब से दे दिया गया है। तो अगर यहाँ पे हम 5:4 मतलब कि ये जो इतनी संख्या है वो 36 के बराबर है, तो इतनी अगर संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 9, 5 और 4 9, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर आपका हो जाएगा 4, 36 को 9 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 1 बराबर 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे ए का कितना था उम्र और बी का कितना औसत दिया था यहाँ पे अनुपात, ये 5 था और ये 4 था, तो 1 बराबर 4 है तो 5 बराबर ये 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब जब यहाँ पे 20 और 16 आ गया है तो क्या बोल रहा है लास्ट में वो कि 2 वर्ष पहले ए की आयु ज्ञात करनी है, ये कितने वर्ष पहले की आयु है, 4 वर्ष पहले की है, तो 2 वर्ष अगर पहले की निकालनी है तो हमको क्या करना होगा, 2 2 इसमें और ऐड करना होगा, यानी कि क्या आ जाएगा,
22 और 18 ये आ जाएगा। हमको ज्ञात क्या करना था, ए क्या, तो ए का हमारा आ जाएगा 22 वर्ष। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। अब दोस्तों देखते हैं दूसरा प्रश्न, थोड़ा सा ये ट्रिकी प्रश्न था तो इसको समझ लीजिएगा, वीडियो को आराम से रोक के रिपीट करके देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी जो मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था। तो अब दोस्तों देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए दूसरा प्रश्न है टाइम एंड वर्क का, समय और कार्य का। ये कितनी आसानी से प्रश्न बनेगा आप लोग सोचे भी नहीं होंगे। यहाँ पे देख लीजिए, मैं इसको ऐसे ट्रिक से बताऊंगा कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा गया, प्रश्न को पढ़ते हैं जल्दी से। 18 महिलाएं 16 दिनों में एक काम को पूरा करती हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया और यक्ष दिनों के बाद 6 महिलाएं काम छोड़ देती हैं या फिर छोड़ के चली जाती हैं और बचा हुआ कार्य 12 दिनों में 12 महिलाओं ने पूरा किया। यक्ष का मान ज्ञात करना है, यानी कि कितने दिनों बाद वो काम छोड़ के गई थी बाकी की 6 महिलाएं। तो यहाँ पे इससे हमको कोई मतलब नहीं, 6 महिलाएं छोड़ के गई हैं चाहे जो महिलाएं छोड़ के गई हैं, हमको यहाँ पे शुरुआत कैसे करनी है। 18 महिलाएं 16 दिनों में काम को पूरा करती हैं, तो पूरा काम हमारा कितना होगा, 18 महिलाएं 16 दिन में काम करती हैं तो पूरा काम कितना होगा। 18 और 16 का गुणा करें तो कितना आएगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, यानी 16 गुणे 16 अगर करेंगे तो 256 होगा, और फिर 2 बचा था यहाँ पे और, तो 16 गुणे 2 32, 256 और 32 कितना आ जाएगा आपका, 256 प्लस 32 कितना होगा, देख लीजिए ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा और ये 2 बचेगा, पूरा काम इतना हो गया। आपको पता चल गया कि 18 महिलाएं 16 दिन में काम खत्म करती थी, तो पूरी महिलाओं का पूरे दिनों में गुणा करेंगे तो हमारा पूरा काम आ गया 288 यूनिट काम था, ठीक, उसको 18 महिलाएं 16 दिन में करती थी खत्म। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 12 महिलाएं लास्ट में बचा हुआ कार्य जो था वो 12 महिलाएं 12 दिनों में करती हैं कंप्लीट उसको, तो हम बचा हुआ कार्य निकाल लेते हैं। यहाँ पे 12 महिलाओं ने 12 दिन काम किया तो काम पूरा हुआ बचा हुआ, तो 12 गुणे 12 कितना होता है, 144 यूनिट, यानी कि इतना तो 12 महिलाओं ने किया और टोटल कार्य इतना था। अब जो बचा हुआ कार्य था वही तो 12 महिलाओं ने किया, यानी कि कितना कार्य हो चुका था पहले, 288 में से 144 माइनस करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि 144 काम ऑलरेडी हो चुका था, ठीक। 144 काम किसने किया था, 18 महिलाओं ने किया था, शुरुआत तो 18 महिलाओं ने ही किया था, लास्ट बीच में उन्होंने छोड़ दिया था 6 महिलाओं ने, तो शुरुआत में जब 18 महिलाओं ने काम शुरू किया था और इतना काम कंप्लीट हो गया था, तो 18 से अगर हम भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा ना कि कितने दिनों में इतना काम पूरा किया था, तो 18 का अगर 144 में भाग देते हैं तो कितना आएगा, 144 में 18 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ये जाएगा आपका 8 बार जाएगा, 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप यहाँ पे 18 × 144 होता है, तो 8 दिन आपका आ जाएगा यक्ष का मान, ये हो जाएगा यक्ष का मान। कितनी आसानी से, देखिए दोस्तों यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा सोचना था कि पूरा काम निकाल लिया आपने 288 यूनिट, अब उसमें 12 महिलाओं ने लास्ट में 12 दिन काम किया था, तो यानी कि इतना काम करेंगी वो लोग 12 महिलाएं 12 दिन में, तो 144 यूनिट काम कर चुकी वो, और शुरुआत में कितना काम हो गया था जो 18 महिलाओं ने शुरू किया था, 288 में से 144 माइनस कर देंगे तो 144 बचेगा, यही काम किया था शुरुआत में 18 महिलाओं ने, अब कितने दिन में किया था, तो 144 को 18 से भाग दे देंगे तो यक्ष का मान आ जाएगा 8 दिन। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, यहाँ पे तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों। एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग के परिमाप का अनुपात 11:6 है, ठीक, यानी कि वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक, और वर्ग के परिमाप का 4a, ये क्या है आपका 11:6 हो गया, ठीक, बोला है यहाँ पे प्रश्न में, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है कि वृत्त की परिधि और एक वर्ग के परिमाप का अनुपात, ये हो गया वृत्त की परिधि, ये हो गया वर्ग का परिमाप, सूत्र होता है ये, और ये दिया गया है यहाँ पे उसका अनुपात है 11:6। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, इस वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा का योग 26 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कि वर्ग की भुजा है ए और वृत्त की त्रिज्या है आर, ठीक, अब इसमें हम मान अगर रख दें यहां पे 2 × π का मान कितना होता है, 22/7 होता है, और यहां पे आर बचेगा, अब बटे में क्या आएगा, 4a बराबर कितना होगा 11/6, ठीक, ये 2 से 2 कटेगा 2 हो जाएगा, अब इस 2 से इसको काटेंगे तो 11 हो जाएगा,
अब कितना बचेगा, 11 बटे 7 आर नीचे बचेगा ए बराबर 11 बटे 6। इसको एक ही लाइन में कर सकते थे, 11 से 11 भी काट सकते, तो मैं आपको समझाने के लिए नहीं कट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको 11 से 11 कट कर देंगे, बचेगा कितना आर बटे यहाँ पे 7 नीचे आ जाएगा तो 7 ए हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका आर बटे में 7 ए बराबर 1/6। अगर हम 7 को इधर ले जाए तो कितना हो जाएगा, त्रिज्या और भुजा का अनुपात पता चल जाएगा हमको, 7/6 हो जाएगा। अब यही बोल रहा है कि जो वृत्त का लास्ट में प्रश्न में दिया है, वृत्त की जो त्रिज्या है आर और वृत्त वर्ग का भुजा है ए, उनका योग है 26 मीटर। तो इसको अगर इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा 26 मीटर आना चाहिए ना। यहाँ पे अगर हम इनको जोड़ें तो कितना आ रहा है, 7 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए था, 26 आना चाहिए था प्रश्न के हिसाब से। तो 1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यहाँ पे अगर हम रख दें इस चीज को तो कितना आ जाएगा, आर बटे ए कर दें तो यहाँ पे हम 1 यूनिट बराबर 2 निकाल लिए, तो यहाँ पे 7 की जगह पे हमको 14 रखना होगा, 6 की जगह पे हमको 12 रखना होगा। ठीक, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे निकालना क्या था, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है, ए बराबर 12 है, यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144, ये आपका आंसर आ जाएगा 144 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो तीसरा प्रश्न भी हो गया यहाँ पे, अब देखते हैं चौथा प्रश्न। अब दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है कि 6 साल पहले बी की माँ और बी की आयु के बीच का अनुपात है 7:3, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो गया है 7:4। तो बी की वर्तमान आयु निकालनी है आपको, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको कई तरीके से किया जा सकता है, बट यहाँ पे मैं आपको सोचने और समझने की क्षमता आपका बढ़ाना चाहता हूँ, तो इसलिए सभी प्रश्नों को सोच के हल करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को फॉर्मूले से या फिर किसी तरीके से उस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि 6 वर्ष पहले बी की माँ और बी की आयु का अनुपात है 7:3। यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कहीं पे वर्तमान, ठीक, तो अगर हम ये बोले कि 6 वर्ष पहले, यानी कि -6 कर दीजिए, 6 वर्ष पहले बी की माँ, यहाँ पे मां लिख देता हूँ, और बी के बीच की जो आयु का अनुपात था वो था 7:3। अब दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 8 वर्ष बाद, यानी कि +8 कर दीजिए, उनकी माँ और उनके बी की बीच का जो अनुपात है उम्र का वो हो जाएगा 7:4। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कभी कि यहाँ पे अगर आप खुद सोचिए कि जैसे आप हैं और आपके भाई हैं, अगर अभी आप और आपके भाई के बीच का जो डिफरेंस है एज का वो 5 वर्ष है, तो क्या 20 साल बाद वो डिफरेंस चेंज हो जाएगा, आपके और आपके भाई के बीच का जो अनुपात उम्र के बीच का डिफरेंस है वो तो हमेशा समान ही रहेगा ना। अगर आज 5 वर्ष है तो हमेशा वो 5 वर्ष छोटा ही रहेगा आपसे, अगर आज 5 वर्ष आपसे बड़ा है तो हमेशा 5 वर्ष बड़ा रहेगा आपसे। तो यही पे आपका समझाने का मतलब था मेरा, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस है 7 और 3 के बीच का डिफरेंस है, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 3 हो गया। तो ऐसा कभी पॉसिबल है कि यहाँ पे डिफरेंस अलग है, यहाँ पे डिफरेंस अलग है, ऐसा तो है नहीं, दोनों बार डिफरेंस समान आना चाहिए। तो हम इसको समान कर देंगे, यहाँ पे अगर हम 3 से गुणा कर दिए, यहाँ पे अगर हम 4 से गुणा कर दिए, तो ये समान हो गया। जब यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो इन दोनों में भी 3 से गुणा होगा, तो क्या आ जाएगा, 21:9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 4 से गुणा करेंगे तो 28:16। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बोल रहा है कि 6 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद, 8 और 6 अगर ऐड कर देंगे हम, 6 वर्ष पहले था आज से और आज से 8 वर्ष बाद है, तो 8 वर्ष बाद और 6 वर्ष पहले अगर हम ऐड करेंगे तो 14 वर्ष हो जाएगा, यानी कि इसके बीच की डिफरेंस जो है वो 14 वर्ष रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 7 का यहाँ पे भी है, 7 का यहाँ पे भी है, लेकिन रहना कितना चाहिए था, 14 का रहना चाहिए था, जिससे हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे 1 बराबर जो है हमारा वो 2 यूनिट के बराबर है। जब 2 यूनिट के बराबर है 1 बराबर, तो यहाँ पे अगर हम इसमें रख दें या फिर इसमें रख दें, दोनों तरफ से हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम 21 में रख दें, 21 कितने वर्ष पहले था, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 21:9 है, अगर 21 गुणे 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 18,
क्योंकि एक यूनिट बराबर दो था, तो 21 में दो का गुणा करेंगे तो 42 आएगा और 9 में दो का गुणा करेंगे तो 18 आएगा। ये कब है? ये 6 वर्ष पहले का था, क्योंकि 21:9 6 वर्ष पहले वाले में था। देख लीजिए, 6 वर्ष पहले ये उम्र थी, तो 6 वर्ष बाद जो वर्तमान आएगा उसमें उम्र कितनी हो जाएगी इन दोनों की? ये दोनों में 6 ऐड कर देंगे तो ये 48 हो जाएगा, 6 ऐड करेंगे तो, और ये कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या था? पूछा था यहाँ पे कि इनके बी का जो उम्र है वो क्या था, तो 24 वर्ष बी का, 24 वर्ष यहाँ पे बी की एज हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात अगर पूछे तो 2:1 उनके बीच का अनुपात हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये प्रश्न भी। अब दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विपरीत दिशा में यात्रा करते समय 200 मीटर और 255 मीटर की लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां हैं 7 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती है। जब विपरीत दिशा में एक दूसरे के जाएंगे तो जल्दी क्रॉस करेंगे, और जब एक ही दिशा में जा रही है, समान दिशा में जा रही हैं, तो वो उनको टाइम लग रहा है एक दूसरे को क्रॉस करने में 91 सेकंड। तो एक दूसरे को पार करती हैं 91 सेकंड में, तो आपको यहाँ पे निकालना है धीमी जो ट्रेन की चाल है वो ज्ञात करनी है आपको, वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक, तो इस तरीके के प्रश्नों में सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूं कि जो ट्रेन की लंबाई होती है यहाँ पे 200 मीटर और 255 मीटर, अगर दोनों ट्रेन की लंबाई को हम जोड़ देंगे तो आपका पूरा डिस्टेंस निकल आएगा कि कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर हमको दूरी निकालनी है, दूरी, तो यहाँ पे क्या करना होगा, 200 + 255, ये ऐड करेंगे कितना आएगा, 455 आ जाएगा। ठीक, 455 मीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जब विपरीत दिशा में जा रही हैं तो 7 सेकंड में क्रॉस करती हैं, तो हमको अगर यहाँ पे उनकी स्पीड निकालनी हुआ, S1 निकालना हुआ, तो कैसे निकालेंगे, 455 का पूरा दूरी है और 7 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो 7 से भाग दे देंगे, 7 × 7 = 42, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 5 × 7 = 5, यानी कि 7 × 6 = 42, 3 बचेगा यहाँ पे और 5 = 35, तो 7 × 5 = 35, तो आपका यहाँ पे आ जाए क्या, 65 मीटर प्रति सेकेंड, ये S1 हो गया। ठीक, अब S2 कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, दूरी तो वही रहेगी 455 बटे में कितनी देर में वो दूरी तय कर रहा है, 91 सेकंड में, तो 91 से अगर भाग देंगे तो देखिए सीधे सीधे कट रहा है, 9 × 5 = 45, यानी कि 450 हो जाएगा, और एक को 5 बार गुणा करें तो 5 बचेगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 × 5 = 45, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकेंड। जब S1 स्पीड है यहाँ पे 65 मीटर प्रति सेकेंड और S2 स्पीड है 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आपको निकालना क्या था, धीमी ट्रेन की चाल निकालनी थी, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है, समान दिशा में जब विपरीत दिशा में जा रही थी तो दोनों का यहाँ पे जुड़ जाएगा, जो ये आया था S1 स्पीड होता है वो जब विपरीत दिशा में जा रही थी तो क्या था, 65 मीटर प्रति सेकेंड, जब समान दिशा में जा रही थी तो क्या था, 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करना था हमको, यहां पे ये वेलोसिटी है, अब यहां पे हमको क्या निकालना है, धीमी वाली ट्रेन के लिए हम क्या करेंगे, V2 निकालेंगे, यहां पे V1 हमारा है फास्ट जो चल रही है, V2 जो है स्लो चल रही है जो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इस समीकरण से इस समीकरण को, तो क्या होगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, V2 प्लस में है, ये भी V2 प्लस में हो गया, तो क्या हो जाएगा, 2V2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 60 आएगा। ठीक, तो V2 बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 30 मीटर प्रति सेकेंड। ये तो वेलोसिटी आ गई आपकी स्लो वाली जो ट्रेन है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में दिया गया था कि किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, ना कि मीटर प्रति सेकंड में निकालना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको पता होगा, 30 × 18/5 कर देते हैं मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, तो 5 × 36 18 × 6 हो जाएगा, 18 × 6 = 108, क्या जाएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा किलोमीटर प्रति घंटा ये कैसे हुआ। तो ये था प्रश्न जो कि
स्पीड टाइम डिस्टेंस से था। अब देखते हैं कुछ यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यानी कि जो सिंप्लीफिकेशन से मिलता जुलता प्रश्न आता है वो कैसे कि यहाँ पे आया हुआ था। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए ये क्या निर्देश क्या दिया गया, पहले इसको पढ़ लीजिए। निम्न प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या अनुमानित मान आएगा। यहाँ पे ये सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का नहीं है, अप्रोक्सीमेशन है। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है कि नजदीकी मान आपको निकालना होता है। तो जल्दी से आप जो इसके पांच प्रश्न या चार प्रश्न जो भी हैं इसको कैसे जल्दी किया जाता है मैं आपको करके दिखाता हूँ तुरंत। इसको देखिए ये जो 6.01 लिखा गया है इसका स्क्वायर, तो ये 6 का स्क्वायर मान लीजिए आप, इसको नजदीकी मान में निकालना है तो 6 इसको मान लीजिए, 6 के नजदीक है ये, तो ये 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 इसको मान लीजिए 3 का स्क्वायर 9 गुणे 14 इसको मान लीजिए, जो जिसके नजदीक होगा उसको पूरी होल वैल्यू मान लेंगे यहाँ पे, बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस ये 11 मान लेंगे इसको। अब क्या है, कुछ नहीं बचा, 14 का गुणा 9 करेंगे तो कितना आएगा 126 आएगा, 126 और 36 कितना हो जाएगा 126 और 36 162 हो गया, 162 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 11। अब 11 इधर आ जाएगा तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ जाएगा, इसमें 11 जुड़ जाएगा, 162 प्लस 11 इक्वल टू 173 ये आ जाएगा आंसर। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, यहाँ पे जल्दी से करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं जल्दी से करके सब। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन थे तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको बस ध्यान देना कि जो नजदीक वैल्यू होगी उसकी उसको फुल वैल्यू मान के करना है। 7.1 था तो इसको 7 मान लीजिए, 3.9 है तो ये 4 मान लीजिए, प्लस इसको 4 मानिए गुणे इसको 5 मानिए प्लस इसको 12 मानिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब आंसर कैसे निकालेंगे, 728 7428 प्लस 5420 520 प्लस 12 बराबर क्वेश्चन मार्क, 28 और 12 40 और 20 60 यानी कि क्वेश्चन मार्क बराबर 60 आ गया। यह है स्पीड दोस्तों, इस तरह से आपको भी करना होगा, इसे फास्ट और कर सकते हैं तो और अच्छा होगा आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे क्या है, ये 7 है ये 6 है, तुरंत लिखिए 7/6, ये आपको बता रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ इस तरह से, नहीं तो मैं डायरेक्ट कट करके करता इसको एक ही लाइन में, गुड़े 18 प्लस 33 बराबर क्वेश्चन मार्क, 6 त्रिक 18 7 त्रिक 21, 21 और 33 लिख देता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, 21 33 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 यहाँ पे 4 यानी कि क्वेश्चन मार्क बराबर आ जाएगा 54। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन हो चाहे सिंप्लीफिकेशन हो बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि ये प्रश्न आया था कि नहीं आया था, पेपर उठा के चेक कर सकते हैं गूगल पे, एक्जैक्टली ये पेपर आया था, जो प्रश्न आए थे वही मैं यहाँ पे प्रश्न दिखा रहा हूँ। ये मत सोचिएगा कि बहुत सरल क्वेश्चन है तो नहीं आए होंगे, यही क्वेश्चन आता है, बस एग्जाम का जब प्रेशर बन जाता है तो थोड़ा सा टफ लगने लगता है आपको। यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 11 का स्क्वायर होगा 121 प्लस 5 माइनस ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। अब कैसे करेंगे, 121 प्लस 5 माइनस 9 प्लस 64 बराबर क्वेश्चन मार्क, मैंने 64 को इधर ले आया, माइनस था तो प्लस हो गया। अब 64 में से अगर 9 हटा दें, किसी में से भी हम 9 हटा दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 64 में से 9 घटेगा तो 55 आएगा, यानी कि आपका बचा कितना, 55 ये और 5 ये 60, 121 प्लस 60 आपका आ जाएगा 181 आंसर। ये हो गया फटाक से, अब देखते हैं अगला प्रश्न तुरंत, 14 प्लस 16 का स्क्वायर 256। अब आपको स्क्वायर क्यूब इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको याद होना चाहिए, कम से कम स्क्वायर आपको 50 तक और क्यूब जो है वो आपको कम से कम 20 तक याद होना चाहिए, क्योंकि इसके बीच ये जैसे अगर आप निकालने बैठेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, अगर याद रहेगा तो 256 तुरंत लिख देंगे, माइनस 220 हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। 256 में से 220 घटाएंगे कितना आएगा, 36 और ये 14 कितना हो जाएगा, 50 आपका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे लास्ट में, ये आज का जो अप्रोक्सीमेशन का था वो लास्ट प्रश्न है, आप इसके बाद डीआई देखेंगे। ये क्या है, 13 है गुड़े 6 है प्लस 7 है गुड़े 9 का स्क्वायर 81 है बराबर क्वेश्चन मार्क, 13 छंग 78 प्लस 81 के इसमें गुड़ा कैसे करेंगे, 8 सते 56 यानी कि 560 और ये एक जो गुड़ा होगा साथ में वो भी साथ रहेगा तो 567 क्वेश्चन मार्क, ठीक 7 और 8 15 एक हासिल लगा, 6 और 7 13 14 हासिल जो लगा था और लास्ट में यहाँ पे बचेगा 6 5 1 6 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के बराबर, 645 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये थे अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, आप पूरे क्वेश्चंस को आराम से देख लीजिएगा कैसे सॉल्व ट्रिक में इसको मैंने सॉल्व किया है, कैसे तुरंत तुरंत इस चीज़ों को कैलकुलेट किया है।
अब दोस्तों देखते हैं डीआई का क्वेश्चन जो आया था उसको देख लेते हैं। डीआई का देखिए प्रश्न, पहले इसमें निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश दिया गया, जानकारी को ध्यान से पढ़ें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। अब क्या दिया गया, तालिका में चार कॉलेज हैं, यहाँ पे मैंने तालिका आप लोगों के लिए बनाई है, अभी दिखाता हूँ। ए बी सी डी में कुल छात्रों की संख्या और कार्य अनुभव वाले कुल छात्रों की संख्या का डेटा दिया गया है, और यहाँ पे नोट दिया गया, इसको पढ़ लीजिए, कि कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है वो अनुभव वाले विद्यार्थी हैं प्लस फ्रेशर विद्यार्थी, यानी कि जो कुल छात्र हैं वो इसमें अनुभव वाले छात्रों को फ्रेशर के साथ जोड़ के रखा गया है। अब यहाँ पे जो चार्ट दिया गया है, यहाँ पे तालिका दी गई है, उसको देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे मैंने तालिका आप लोगों के लिए बना दिया गया था, दिया है कि कॉलेज है ए बी सी डी, कुल छात्र हैं 240, 280 बी में, सी में 320, डी में 360, और यहाँ पे जो अनुभवी छात्र हैं, कॉलेज ए में 96 हैं, कॉलेज बी में 84 हैं, कॉलेज सी में 160 हैं, कॉलेज डी में 162 हैं। तो अगर यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि फ्रेशर छात्र कितने हैं कॉलेज ए में, तो क्या कैसे निकालेंगे फ्रेशर छात्र, इसी में से जो सूत्र यहाँ पे बताया था आपको, ऊपर सूत्र दिया था यहाँ पे, कुल विद्यार्थियों की संख्या अनुभव बराबर अनुभव वाले विद्यार्थी प्लस फ्रेशर विद्यार्थी, यानी कि अगर हमको फ्रेशर विद्यार्थी निकालना है तो कुल विद्यार्थियों में से हम अनुभव वाले विद्यार्थियों को माइनस कर देंगे, आपका फ्रेशर विद्यार्थी आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर फ्रेशर विद्यार्थी निकाला जाए तो ए में कितना आ जाएगा, 240 में से 96 गया, 144 फ्रेशर, ये निकालने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों की सरलता के लिए यहाँ पे निकाल देता हूँ। बी में अगर 280 में से 84 गया तो कितना आएगा, 196। सी में देख लीजिए, सी में अगर 320 में से 160 गया तो 160 बचेगा, और डी में 360 में से 162 गया तो 198 बचेगा। ये आ गया फ्रेशर वाले विद्यार्थियों की संख्या। अब इसको निकालना नहीं था, मैंने आप लोगों के लिए निकाला है, क्योंकि आपको प्रश्न करना है तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा वहां पे। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है यहाँ पे, पहला प्रश्न है कॉलेज ए और सी में फ्रेशर विद्यार्थियों की औसत संख्या और कॉलेज बी तथा डी में अनुभव वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या के बीच कितना अंतर है। अब जहां पे हमने ये निकाल लिया है, जो चीज यहाँ पे निकाल ली, इसका जरूरत पड़ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए निकाल दिया। यहाँ पे क्या पूछा है, कॉलेज ए और कॉलेज सी में फ्रेशर विद्यार्थियों की औसत संख्या, औसत संख्या मतलब कि जितना है दोनों कॉलेज में, कॉलेज ए में और कॉलेज सी में, उसका औसत निकालना है। 160 और 144 का औसत निकालें तो कितना आएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। कॉलेज ए प्लस कॉलेज सी की औसत संख्या निकालने के लिए हमको 2 से भाग देना होगा, और ये क्या निकालना था, फ्रेशर विद्यार्थियों की संख्या निकालनी थी यहाँ पे कॉलेज और कॉलेज सी में। तो फ्रेशर विद्यार्थी थे कॉलेज ए में 144 और कॉलेज सी में थे 160, इसको 2 से भाग दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा 160, 144, 304, 304 को 2 से भाग देंगे तो 152 आ जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या बोल रहा है, कॉलेज बी तथा कॉलेज डी के अनुभव वाले जो छात्र हैं उनकी औसत संख्या, कॉलेज बी और डी इनमें जो अनुभवी हैं ये हैं और ये है, 162 और 84, यानी कि बी प्लस डी बटे 2 करेंगे यहाँ पे अनुभव वाले छात्रों के लिए, तो 84 प्लस 162 बटे 2, ये कितना आ जाएगा, 84 और 162 16 + 24 यानी कि 240 हो गया, और 240 और 4 और ये 246 बटे 2, यानी कि ये आ जाएगा 123। ठीक, फ्रेशर थे इतना, अनुभवी थे इतना, अब इनके बीच का अंतर पूछा था, 152 माइनस 123 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 29 तुरंत। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा पहला प्रश्न। अब दोस्तों देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे, इससे जो दूसरा प्रश्न था डीआई में, कब लगभग अगर प्रश्न आता है तो 4-5 प्रश्न आते ही हैं, एक प्रश्न के अंदर 4-5 प्रश्न रहते हैं, तो एक डीआई सॉल्व करने पे आपको 4-5 नंबर आराम से आप कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या था, इसमें कॉलेज ए में फ्रेशर नए विद्यार्थियों और कॉलेज बी सी में संयुक्त रूप से कुल अनुभवी विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि जो कॉलेज ए में जो है फ्रेशर छात्र कैसे निकाला था अभी हमने कॉलेज ए में, यहाँ मैंने लिख लिया आपको दिखाने के लिए कि सभी प्रश्नों के साथ आप डाटा देख सकें, कि कॉलेज ए में अगर फ्रेशर छात्र पूछा जाए तो यहाँ पे क्या आया था आपका, इसमें से इतना घटाया था तो 144, तो कॉलेज ए में फ्रेशर जो छात्र हो गए 144 हो गए। अब क्या बोला है, कॉलेज बी सी में संयुक्त रूप से, यानी कि संयुक्त रूप मतलब कॉलेज बी सी को जोड़ना है अनुभवी छात्रों की संख्या, अनुभवी छात्र बी सी में कितने हैं, 84 और 160 मैंने अभी जोड़ा था, 8 + 24 यानी 244 हो जाएगा। ठीक, बी प्लस सी में यही पूछा था इनके बीच अनुपात क्या है, तो ये देख लीजिए किससे कट रहा है, पहले 2 से कट कर दीजिए, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 122, अब फिर से कट करेंगे अगर 2 से तो कितना आएगा, ये 36 आ जाएगा, ये आ जाए कितना, 61।
आप कट होगा किसी से, 3 से भी नहीं कट होगा, 4 से भी नहीं होगा, 2 से भी नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा उनके बीच का अनुपात 36:61 इनके बीच का अनुपात है कॉलेज ए में फ्रेशर छात्रों की और कॉलेज बी सी में अनुभवी छात्रों के बीच जो अनुपात है। अब दोस्तों देखते हैं तीसरा, यहाँ पे जो प्रश्न इससे रिलेटेड पूछा था, यहाँ मैं इसको उठा देता हूँ। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, तीसरा प्रश्न क्या है, इसके साथ भी यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको डाटा। यहाँ पे देख लीजिए, बोल रहा है यदि ए में, जो ए है कॉलेज ए, उसमें पुरुष जो फ्रेशर छात्रों की संख्या वो 70 है, यानी कि पहले फ्रेशर छात्र निकाला हमने ए में कितना था 144, अब इसमें पुरुष दे दिया गया है कि इसमें जो पुरुषों की संख्या है 144 में से अगर हम 70 हटा देंगे तो महिलाओं की संख्या पता चल जाएगा, ठीक। और इसी कॉलेज में पुरुष कार्य अनुभव, यानी कि पुरुष जो कार्य अनुभव वाले हैं उनकी संख्या दे दिया गया है 48। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे दे दिया गया है कि कुल संख्या है आपका यहाँ पे 240, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पूरी संख्या है 240, उसमें जो पुरुष फ्रेशर है वो कितने हैं, 70 है, ठीक है, और पुरुष जो अनुभवी हैं वो कितने हैं, यहाँ पे 48 है, ठीक है। अब पूछा है यहाँ पे कि तो कॉलेज ए में कार्य अनुभव और फ्रेशर महिलाओं की संख्या है, तो पूरे छात्रों में से अगर हम जितने भी पुरुष हैं अनुभवी और फ्रेशर उनको हटा देंगे तो हमारे पास महिलाओं की संख्या आ जाएगी, तो 240 माइनस 70 ये 48 118 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 122 महिलाएं, ठीक है। आराम से कर सकते हैं इसको, क्वेश्चन पढ़िएगा बहुत आराम से कि पूरे छात्रों में से अगर हम पुरुषों को हटा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे भी पुरुष दिया गया है, यहाँ पे भी पुरुष दिया गया है, तो दोनों मिला के तो उसमें होंगे ना 240 में, अगर उनको हटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा, उसमें महिलाओं की संख्या आ जाएगी, वही किया है यहाँ पे आपके आ गया है महिलाओं की संख्या। अब दोस्तों देखते हैं इस पे आधारित अगला प्रश्न क्या पूछा था। अब देखिए दोस्तों ये चौथा प्रश्न है, ये डीआई का लास्ट प्रश्न है। यदि डी में, यानी कॉलेज डी में महिला फ्रेशर की संख्या 98 है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूं ये चार्ट, तो यहाँ डी है, इसमें से 162 अनुभवी है, अगर 162 हटा दिए थे तो कितना आएगा 198 आएगा, 198 में से बोल रहा है कि डी में जो फ्रेशर महिलाएं हैं उनकी संख्या है 98, ठीक। तो यहाँ पे कर देते हैं पूरा सही से, डी में है टोटल यहाँ पे 360 है और अनुभवी है 162, अगर इसका माइनस कर दे तो हमारे पास जो फ्रेशर है वो 198 आ जाएंगे पूरे लोग, इसमें से बोल रहा है कि 98 जो है वो महिलाएं हैं, 98 महिलाएं हो जाएंगी, इसको अगर घटा देंगे तो आ जाएगा क्या 100 पुरुष आ जाएंगे, ठीक, फ्रेशर 100 पुरुष आ गया। इसके बाद क्या बोल रहा है कि और कार्य अनुभवी अनुभव वाली महिलाओं की संख्या इसी कॉलेज में पुरुष विद्यार्थियों की 40% है, यानी कि जो पुरुष विद्यार्थी आ गए यहाँ पे हमारे 100, इसकी 40% क्या है, कार्य अनुभवी महिलाएं हैं, तो 100 का जो 40% होता है क्या होता है, 40 होता है, ये कौन है, अनुभवी महिलाएं, ठीक, ये अनुभवी महिलाएं होंगी। तो फ्रेशर क्या बोल रहा है, तो फ्रेशर जो फ्रेशर है, ठीक है, यहां पे बोला है कि 40% जो यहां पे है जो फ्रेशर है, तो डी में कार्य का अनुभव रखने वाले पुरुष विद्यार्थियों की कुल संख्या। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए डीआई का ये चौथा प्रश्न है, जो कि आखिरी प्रश्न है डीआई का, चार ही प्रश्न आया था डीआई से। यदि डी में, यानी कि कॉलेज डी में महिला फ्रेशर की संख्या 98 है और कार्य अनुभव वाली महिलाओं की संख्या फ्रेशर पुरुषों की संख्या की 40% है, तो डी में कार्य अनुभव करने वाले रखने वाले पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डी कहाँ पे है, डी देख लीजिए यहाँ पे है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, देख लीजिए डी में कुल छात्र हैं 360, कार्य अनुभव वाले हैं 162, तो यहाँ पे अगर हम निकाल लें कि फ्रेशर कितने यहाँ पे छात्र होंगे तो क्या होगा, इसमें से इतना माइनस कर देंगे तो आ जाएंगे यहाँ पे फ्रेशर छात्र, तो 360 माइनस 162 करेंगे तो आपका आएगा 198, यानी कि 198 ये हो जाएंगे कौन, फ्रेशर। अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोल रहा है प्रश्न में, इसको मैं ऊपर कर देता हूं, इसको प्रश्न बोल रहा है कि फ्रेशर की संख्या यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो 98 है, 198 में से 98 फ्रेशर महिलाएं हैं, 98 महिलाएं हैं, ठीक, फ्रेशर, तो फ्रेशर पुरुष कितने बचे, फ्रेशर पुरुष बचे यहाँ पे 100। अब बोल रहा है उसके बाद कि कार्य अनुभव वाली जो महिलाएं हैं वो फ्रेशर पुरुषों की 40% है, यानी कि 100 की 40% है कौन,
100 की 40% यानी कि 40 महिलाएं हैं, कौन ये हैं, कार्य अनुभव वाली। जब 40 कार्य अनुभव वाली महिलाएं हो गई और 162 यहाँ पे पूरे कार्य अनुभव वाले विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे पूछा है कि कार्य अनुभव वाले पुरुष कितने हैं, तो इसमें से महिलाओं की संख्या घटा देंगे, आपके कार्य अनुभव वाले पुरुष आ जाएंगे। तो यहाँ पे 162 माइनस 40 करिए, आपका तुरंत आ जाएगा आंसर 122 जो है पुरुष वो है कौन, अनुभवी। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा प्रश्न। इसी के साथ यहाँ पे मैंने आपको 2019 का जो पूरा पेपर था रीजनिंग का और मैथ का पूरा दिखा दिया है। अब नेक्स्ट जो टर्न आएगा उसमें मैं टॉपिक वाइज शुरू करूंगा, यहाँ पे पहले हो सकता है मैथ शुरू करूँ या फिर रीजनिंग शुरू करूँ, जो भी सही लगेगा मुझे कि आप लोगों का अच्छा स्कोर हो सकता है उसमें, उस चीज से शुरू करूंगा। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आज ही मेरा 1000 सब्सक्राइबर पहला यूट्यूब चैनल पे, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल का 1000 सब्सक्राइबर पूरा हुआ है, तो उसके लिए आप लोगों को फिर से एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से अपना प्रेम बनाए रखिए और लोगों के साथ वीडियोज़ को शेयर करिए और बोलिए कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं गारंटी लेता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आप लोगों का इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और वंदे मातरम।